मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विदिशा से कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव सहित कई समर्थकों ने बुधवार को बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी कार्यालय में सभी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पार्टी का गमछा पहनाकर स्वागत किया। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक के बाद एक बड़ा झटका लगा है। विदिशा से कांग्रेस के विधायक रहे शशांक भार्गव ने भी अपने साथियों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। भार्गव ने ही 36 साल बाद 2018 में भाजपा के इस गढ़ को भेद कर जीत हासिल की थी। उनके भाजपा में शामिल होने में सुरेश पचौरी की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और विदिशा विधायक मुकेश टंडन की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। श्री श्रीकांत मोदी सेवा अध्यक्ष तेलुगुड़ा, श्री आईटी सेल अध्यक्ष तेलुगुड़ा, श्री संतोष समेले उदयपुरा। बीजेपी में आपको शामिल हुआ? मैंने अभी पूर्व में ही बताया कि मेरे राजनीतिक गुरु पंडित सुरेश पचौरी जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। सन 77 में उन्होंने मुझे भोपाल यूनिवर्सिटी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया था। लगातार उन्हीं की कृपा से मुझे कांग्रेस में 5 बार टिकट मिला। जब उन्होंने भाजपा का दामन थामा और मुझे आदेशित किया तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मैंने भी आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और आगामी लोकसभा चुनाव में जो आज हमारे मंच से प्रण लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये प्रण लिया है कि माननीय शिवराज जी को 10 लाख से अधिक वोटों से जिताना है। उस प्रण को पूरा करने के लिए मैं अपनी पूर्ण आहुति दूंगा और हम सब मिलके, माननीय मुकेश टंडन जी भी आज हमारे साथ हैं, हम दोनों आपस में चुनाव लड़े, आज हमारा मित्रवत व्यवहार रहा, हमारा छोटा भाई बड़े भाई का संबंध कभी खत्म नहीं हुआ। उनके साथ भाजपा की सदस्यता लेने वालों में जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र राठौर, ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र रघुवंशी, पूर्व पार्षद एवं विदिशा व्यापार महासंघ के पूर्व अध्यक्ष सुरेश मोतियानी, दीवान किरार, राजू दागी मौजूद रहे। ईएमटी न्यूज भोपाल।